हाय दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी साउथ कोरियन मूवीज के बारे में जो आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। अब वो कहाँ देखने को मिली वो तो मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा, साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें से कुछ मूवीज आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगी और मैक्सिमम आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। ये वीडियो रिकमेंड किया है मेरे एक सब्सक्राइबर जिसका नाम है तेजस तिवारी, तो ये वीडियो उनके लिए और आप सभी लोगों के लिए जिनको साउथ कोरियन मूवीज देखना बहुत पसंद है। प्लीज मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखना, साथ साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन उसे भी कर दो प्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। नंबर 10 पे है वॉर ऑफ द एरोस। ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 में। इस मूवी का जेनर है एक्शन, हिस्ट्री और थ्रिलर। मूवी की कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से जिनके फादर वॉरियर होते हैं और वो लोग भी वही बनना चाहते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उन्हीं में से एक की सिस्टर का किडनैप हो जाता है ठीक उसकी शादी से पहले। उसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी को IMDb ने 7.2 की रेटिंग दी है आउट ऑफ 10। हमारे लिस्ट में 9th नंबर पे द विच पार्ट 1 द सबवर्जन। ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। 2018 में रिलीज हुई ये एक एक्शन मिस्ट्री मूवी है। मूवी की कहानी शुरू होती है एक लड़की से, वो अपने फैमिली के लिए एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस लड़की के पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं। उसके बाद आगे उस लड़की के साथ क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी को IMDb ने 7.1 की रेटिंग दी थी आउट ऑफ 10। 8वें नंबर पे द टाइगर एंड ओल्ड हंटर टेल। ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2015 में। इस मूवी का जेनर है ड्रामा, थ्रिलर और एक्शन। मूवी की कहानी शुरू होती है जापान ऑक्यूपेशन से, जहां पर कुछ लोगों को काम दिया जाता है एक टाइगर को मारने का। तो क्या मूवी के लास्ट तक वो लोग उस टाइगर को मार पाते हैं या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी को IMDb ने 7.3 की रेटिंग दी थी आउट ऑफ 10। ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगी। 7वें नंबर पे चिल्ड्रेन। ये मूवी आपको इंग्लिश में मिलेगी। 2011 में रिलीज हुई ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। मूवी की कहानी बेस्ड है साउथ कोरिया के ट्रू अनसॉल्व मर्डर केस पर। इलेक्शन के दौरान 5 बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिलता। तो बस आपको ये देखना कि आगे इस फिल्म में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, और मैं आपको इतना कह सकता कि ये एक मास्टरपीस मूवी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। IMDb ने इस मूवी को 7.1 की रेटिंग दी थी आउट ऑफ 10। 6वें नंबर पे ओल्ड बॉय। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। 2003 में रिलीज हुई ये एक एक्शन, ड्रामा, मिस्ट्री, थ्रिलर मूवी है। मूवी की कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसको एक जेल जैसी जगह पर रखा जाता है 20 सालों तक, और बाद में उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उसको वहां क्यों रखा गया था ये जानने के लिए वो क्या कुछ करता है ये सब कुछ तो आपको इस मूवी में ही देखने को मिलेगा। खैर मैं आपको इतना कह सकता कि ये मूवी एक ऐसी मूवी जिसकी वजह से साउथ कोरियन मूवीज पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई थी, और इस मूवी का काफी रीमेक भी बन चुका है। मैं एक एग्जांपल दूं तो हमारे बॉलीवुड में संजय दत्त की एक मूवी बनी थी जिसका नाम था जिंदा, वो इसी मूवी की रीमेक थी। इस मूवी को IMDb ने 8.4 की रेटिंग दी है आउट ऑफ 10। 5वें नंबर पे फैब्रिकेटेड सिटी। ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2017 में। मूवी का जेनर है एक्शन थ्रिलर। इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो कि एक अच्छा गेमर होता है। एक दिन उसको एक स्मार्टफोन मिलता है जो कि एक लड़की का होता है, तो वो उस लड़की को उसका स्मार्टफोन लौटाने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन सुबह उसकी लाश उसके पास पड़ी मिलती है। उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी को IMDb ने 6.9 की रेटिंग दी थी आउट ऑफ 10। 4वें नंबर पे मदर। ये मूवी आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। 2009 में रिलीज हुई ये एक थ्रिलर मूवी है। मूवी की कहानी शुरू होती है एक गरीब और विडो औरत से जो अपने बेटे के साथ साउथ कोरिया के एक छोटे से टाउन में रहती थी, और वो अपना घर खर्च निकालने के लिए जड़ी बूटियां बेचती थी, और एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो एक ऐसा काम करती थी जिसका उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। उस लेडी का एक बेटा होता है बट वो मेंटली डिसेबल होता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक लड़की का मर्डर हो जाता है। उसके बाद क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी को IMDb ने 7.8 की रेटिंग दी थी आउट ऑफ 10। हमारे लिस्ट में 3रे नंबर पे पैरासाइट। ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। 2019 में रिलीज हुई ये एक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा फिल्म है।
मूवी की कहानी शुरू होती है एक फैमिली से जो बहुत गरीब होते हैं पर उतने ही चालाक और उतने ही सेल्फिश भी होते हैं। एक दिन उनमें से एक लड़के को एक अमीर फैमिली में नौकरी मिल जाती है और वो अपनी चालाकी से अपने पूरे घर वालों को भी वहां नौकरी पर रखवा देता है। लेकिन उसके बाद क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी को ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है और मैं आपको बता दूं IMDb ने इस मूवी को 8.6 की रेटिंग दी है आउट ऑफ 10। दूसरे नंबर पे ट्रेन टू बुसान, ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। 2016 में रिलीज हुई ये एक एक्शन जॉम्बी थ्रिलर मूवी है। मूवी की कहानी शुरू होती है एक बच्ची से जो अपने फादर के साथ रहती है। उसकी मॉम उसके साथ नहीं रहती है लेकिन अब उस बच्ची का बर्थडे आने वाला है तो वो बच्ची सोचती है क्यों ना अपना इस साल का बर्थडे अपनी मॉम के साथ भूसान में जाकर मनाए। तो इसलिए वो अपने फादर को बोलती है कि मुझे भूसान जाना है। तो नेक्स्ट डे उसके फादर और वो लड़की दोनों भूसान की तरफ एक ट्रेन से रवाना हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या कुछ होता है और कैसे जॉम्बी उन पर अटैक करते हैं ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी को IMDb ने 7.5 की रेटिंग दी है आउट ऑफ 10। हमारे लिस्ट में पहले नंबर पे आई सॉ द डेविल, ये मूवी आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। ये 2010 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री और सस्पेंस मूवी है। मूवी की कहानी शुरू होती है एक सीक्रेट सर्विस एजेंट से जिसकी फियांसे का मर्डर हो जाता है। उसके बाद वो किस तरह से अपनी फियांसे का बदला लेता है उस मर्डरर से ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट साउथ कोरियन मूवीज में से एक है। इस मूवी को IMDb ने 7.8 की रेटिंग दी है आउट ऑफ 10। तो बस यार इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो साथ ही बेल आइकन है उसे भी कर देना प्रेस। तो मैं मिलूंगा कल किसी नए वीडियो में। दिल जाए दुआ में याद रखना।